सावन माह का महीना भोलेनाथ जी को समर्पित है। इस सावन मास के महीने में खान पीन की चीजों में नियम रखना चाहिए। आइए पंडित जी से जानते हैं वह नियम। भगवान शिव को समर्पित शिव का प्रिय मास श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है 22 जुलाई से। इस मास में भगवान शिव जी की विशेष कृपा पाने के लिए हम सबको अपने खान पान में भी थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास में पत्तेदार सब्जियों का निषेध माना गया है। जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो श्रावण मास में नहीं खाई जाती हैं। वैज्ञानिक कारण भी है कि उसमें कीड़े आने लग जाते हैं, इसलिए उन पत्तों को खाने से, पत्तेदार सब्जियां खाने से बीमार पड़ जाते हैं। श्रावण भादो के महीने में दही का भी निषेध माना गया है, दही का सेवन भी नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो गले में इन्फेक्शन हो जाता है श्रावण भादों में दही खाने से। मांसाहार पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए यदि कोई मांसाहार लेता है तो, और तामसी भोजन यानी लहसुन प्याज का निषेध करना चाहिए, जिससे पूजन पाठ में मन नहीं लगता है। यदि लहसुन प्याज का भोजन करते हैं तो मन विचलित होता है, ऐसे में लहसुन प्याज का भी निषेध माना गया है। भगवान शिव के प्रिय मास श्रावण में जितना हो सके फल का सेवन करना चाहिए, फल फ्रूट का सेवन करना चाहिए। आम है, केला है, जामुन है, और जो भी मौसमी फल होते हैं उनका आहार लेना चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रावण मास में कम आहार लेकर अधिक भक्ति करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं।